सब तो पहला श्री गुरु गोविंद सिंह जी दी बख्शी हुई फतेह दी सांझ पाइए। बोलो वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मेरा नाम सिमरनजीत कौर है, मैं सतवीं जमात विच पढ़दी हाँ। मेरी उम्र 12 साल है। मैं आप जी दे सामने एक साखी पेश कर रही हाँ, जिसका विषय है भाई बुद्धू शाह। भाई बुद्धू शाह लाहौर का रहन वाला सी ते एक अमीर आदमी सी। लाहौर शहर विच उसका इट्टा का कारोबार चलता सी। कारोबार एडा वड्डा सी कि सरकारी काम ले उस तो इट्टा खरीदियां जांदियां सन। एक बार भाई बुद्धू शाह ने इट्टा पकाउण लई आवे तैयार करवाए। मन विच ख्याल आया आवे पकाउण तों पहला क्यों ना सतसंग दे दर्शन घर विच पुआए जान, तां जो उन्हां दी असीस नाल आवे पक्के निकल। तां जदों भाई बुद्धू शाह ने श्री गुरु अर्जन देव जी अते सतसंगत नूं अपने घर बुलाया। तां जदों सात संगत प्रशादा छक रही सी तां उस वेले एक भाई कामलिया बुद्धू शाह दे दरवाजे अगे पहुंचिया। भाई कामलिए दे फटे हुए कपड़े देख के सेवादारा ने दरवाजा बंद कर दिता ते ए कह के टाल दिता के तू तां लेट आया है, लंगर तां वरत चुका है। लंगर छकन पिछों भाई बुद्धू शाह जी ने गुरु अर्जन देव जी अगे बेनती की कि गुरु जी मेरे मन की भावना है कि इस बार मेरे आवे दियां इट्टां वधिया पक्कन ते मैनू चंगे पैसे मिलन। तां सिख अरदास करन लगे ते सिख ने अरदास करदे होए कहा कि बुद्धू दे आवे दियां इट्टां पक्कियां निकल। तां पर बाहर खड़ा भाई कामलिया कह रहा सी कि बुद्धू दे आवे दियां इट्टां कच्चियां निकल। तां जदों गुरु जी ने यह वाक सुने तां भाई कामलिया उच्ची उच्ची कह रहा सी कि बुद्धू शाह दे आवे दियां इट्टां कच्चियां निकल। बुद्धू दे आवे दियां इट्टां कच्चियां निकल। तां गुरु जी ने भाई कामलिए नूं पुछिया भाई कामलिए तू ए की कह रहा है। तां भाई कामलिए ने कहा कि बुद्धू शाह दे सेवादार किसे भुखे नंगे गरीब नूं अंदर नहीं आन दिंदे। तां गुरु जी ने कहा कि बुद्धू शाह भाई कामलिए दे वाक अनुसार तेरे आवे दियां इट्टां कच्चियां ही रहनगियां क्योंकि तेरे सेवादारां ने किसे भी भुखे नंगे गरीब नूं भोजन नहीं छकाया। उसका कहा बिरथा नहीं जा सकता क्योंकि भगतां दा कहा कोई भी टाल नहीं सकता। तेरियां कच्चियां इट्टां पक्कियां दे भाव नाल विकणगियां। रब दी कुदरत नाल उस साल बहुत मीह पै रहा सी। लोकां दे पुराने घर डिग पए ते सरकारी किले दी कंध भी डिग पई। सूबेदार नूं किसे पासों भी इट्टां ना मिलियां क्या ते किले दी कंध भी बनाउणी बहुत जरूरी सी। तां सूबेदार ने कच्चियां पिल्लियां इट्टां पक्कियां दे भाव नाल बुद्धू शाह दे कोलों खरीद लईयां। सानू इस साखी तों इह सिख्या मिलदी है कि सानू अपनी अमीरी ते
शाही ठाठ वाठ दा हंकार कदे भी नहीं करना चाहिदा, क्योंकि लोड़वंद दा केहा बिरथा नहीं जा सकदा। उन्हां दी सोच दूजियां नालों प्रति सुचेत ते उच्ची हुंदी है, ते उन्हां दा केहा कोई भी टाल नहीं सकदा। ते सानू लोड़वंद दी हमेशा सहायता करनी चाहिदी है, ते सानू सब नू इको नज़र नाल ही वेखना चाहिदा है। धन्यवाद। बोलो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।